Hello friends, and very warm welcome to Chiki's Biology, another video. In this video today we will discuss about kya CMS and ED course ka koi fayda nahi hai, course ke baad bhi CMO and police raid kyun ho rahi hai ya kyun karte hain. Aaj main aap logon ko is question ka ek appropriate answer dunga. Friends, humne is topic pe previously bhi apni kai sari videos mein baat ki hai, बट आज इन डिटेल हम लोग अपने इस क्वेश्चन का एक अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे फाइंड करेंगे. और आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कनेक्ट जरूर रहें. और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें. फ्रेंड्स, इस कोर्स को करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि इस कोर्स को WHO, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यूनिसेफ और मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग मान्यता मिली हुई है और ये एक वैलिड कोर्स है. तो फ्रेंड्स, ये एक वैलिड कोर्स है, बट इस कोर्स की भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं. इस कोर्स को करने के बाद अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोगों को बहुत सारी गाइडलाइंस वहाँ पे फॉलो करनी पड़ेंगी, और अगर आप लोग इन गाइडलाइंस के बाहर काम करोगे तो आपके प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे पुलिस की और CMO की रेड 100% पड़ेगी. भले ही आप लोगों का जो डिप्लोमा है वो वैलिड हो, भले ही आप लोगों का जो एक NOC है वो CMO द्वारा ही जनरेट क्यों ना किया गया हो. तो फ्रेंड्स, जो नियम होते हैं वो नियम सब पर वहाँ पर लागू होते हैं, सभी पर लागू होते हैं. और अगर आप एक MBBS और MD डॉक्टर हैं और उस ये डिग्री होते हुए भी आप नियमों का पालन नहीं करते, उल्लंघन करते हैं नियमों का, तो फ्रेंड्स MBBS और MD डॉक्टर होते हुए भी आपके अगेंस्ट कार्रवाई होगी. आप तो सिर्फ़ एक CMS ED डिप्लोमा होल्डर हैं. तो फ्रेंड्स, जो नियम होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं, नियमों के अंडर में ही आपको काम वहाँ पे करना होता है. बट कुछ जो CMS ED डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि एक्सपायरी मेडिसिन को जो है अपने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे वहाँ पे रखने लगते हैं, जिसके एवज में जो है या जिसके चलते वहाँ पे कोई उनकी शिकायत कर देता है CMO को या पुलिस को, तो उनके खिलाफ़ फिर वहाँ पे लीगल एक्शन लिया जाता है. तो आप लोगों को क्या क्या नहीं करना है, या वो कौन कौन से रीज़न है या कारण हैं जिन कारणों की वजह से आपके प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पर रेड पड़ती है, उनके बारे में बात करेंगे. और आपको क्या क्या सावधानियाँ वहाँ पर बरतनी है, क्या नहीं करना है आपको, ये मैं यहाँ पर बताऊँगा. तो फ्रेंड्स, सब फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो डिप्लोमा है वो वैलिड होना चाहिए और वो एक वैलिड इंस्टीट्यूट से आप लोगों का वहाँ पे होना ज़रूरी है. और जो आपका डिप्लोमा है वो डिप्लोमा ऑनलाइन इंटरनेट पे अवेलेबल होना चाहिए. ऑनलाइन इंटरनेट पे अवेलेबल होने का मतलब है कि जिस भी एक इंस्टीट्यूट से आपने उसको किया है, यूनिवर्सिटी से किया है या कॉलेज से किया है, उसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पे वो डिप्लोमा जो है ऑनलाइन अवेलेबल होना ज़रूरी है. जब कोई उसको वेरीफाई करे तो आपका इनरोलमेंट नंबर वहाँ पे डाला जाएगा ऑनलाइन, और वो डिप्लोमा जो है वहाँ पे ओपन होके आना ज़रूरी है जिससे कि उसका वेरीफिकेशन हो सके. फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है. उसके बाद अपने प्राइमरी हेल्थ केयर पे आपको कोई एक्सपायरी मेडिसिन नहीं रखनी है, और कोई भी काम जो है WHO की जो गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो एक डिसीजन है इस कोर्स को लेके, उसके बाहर नहीं करना है. लाइक जैसे कि कुछ CMS ED डिप्लोमा होल्डर क्या करते हैं, इस डिप्लोमा की आड़ में हॉस्पिटल ओपन कर लेते हैं या कोई नर्सिंग होम ओपन कर लेते हैं. तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना है. और इस डिप्लोमा को अगर आपने किया है तो आप सर्जरी नहीं कर सकते. कुछ डिप्लोमा होल्डर जो हैं अपने प्राइमरी हेल्थ केयर पे सर्जरी करते हैं या हॉस्पिटल ओपन कर लेते हैं और वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर के नाम पे जो है पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं. ये सभी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है. आपको सिर्फ प्राइमरी हेल्थ केयर वहाँ पे ट्रीटमेंट देना है, आपको इस तरह से कुछ भी वहाँ पे नहीं करना है. और फ्रेंड्स, कुछ CMS ED डिप्लोमा होल्डर जो है नारकोटिक ड्रग बेचने लगते हैं ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में, कम समय में अमीर बनने के चक्कर में वो लोग इस तरह की हरकतें वहाँ पे करने लगते हैं, जिसकी वजह से फिर CMO और पुलिस की रेड वहाँ पे पड़ती है, क्योंकि फ्रेंड्स ये इलीगल है. और ऐसी मेडिसिन आपको वहाँ पे बिल्कुल नहीं रखनी है जिनको आप रूम टेम्परेचर पे नहीं रख सकते हो. जिन मेडिसिंस के लिए फ्रीज की ज़रूरत होती है उनको फ्रीज में रखना है. आपको एक छोटा सा वहाँ पे रेफ्रिजरेटर या फ्रीज खरीदना है. तो
तो इस तरह से अगर आप ये सभी चीज़ें मेंटेन करते हो तो आपके क्लिनिक पे, आपके प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे रेड नहीं पड़ेगी। और अगर आपने कोई बोर्ड लगा रखा है अपने क्लिनिक के बाहर, तो उस पर सिर्फ आपको प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर लिखना है, वहाँ पे क्लिनिक नहीं लिखना है, हॉस्पिटल नहीं लिखना है, नर्सिंग होम वहाँ पे नहीं लिखना है। और NOC अगर आपके पास में CMO से आपको NOC नहीं मिली हुई है तो कोई बात नहीं, आपका जो डिप्लोमा है या जो आपका कॉलेज है वो वैलिड होना ज़रूरी है। और अगर आपका डिप्लोमा वैलिड है और आपका कॉलेज वैलिड है और उसके साथ में CMO से NOC भी मिली हुई है, तो फिर तो और अच्छा आपके लिए वहाँ पे होगा। बट अगर NOC नहीं मिली हुई है तो डिप्लोमा वैलिड होना ज़रूरी है और कॉलेज वैलिड होना ज़रूरी है, तो आपके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई फिर वहाँ पे नहीं होगी। प्राइमरी ट्रीटमेंट के नाम पे कई जो CMSED डिप्लोमा होल्डर हैं, वो जो गंभीर मरीज होते हैं उनको वहाँ पे एडमिट कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उनको कोई टैबलेट या कोई इंजेक्शन वहाँ पे नहीं लगाना है। और रूरल और सेमी अर्बन जो एरिया है उसमें ही सिर्फ आप अपना प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ओपन कर सकते हैं, इसको आपको जो है सिटी में ओपन नहीं करना है। ये इलीगल माना जाता है अकॉर्डिंग गाइडलाइंस या अकॉर्डिंग द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या मद्रास हाई कोर्ट। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें आप लोग अगर नहीं करते हैं तो आपके प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे कोई रेड नहीं पड़ेगी और इस डिप्लोमा का आपको पूरा फायदा वहाँ पे मिलेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स।